थोड़ा ब्लॉक कर दे, अभी चर्चा करें। रोहित बेटा, अब तू खा इसकी स्पेशल साथ में ले। जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई? लाग का वर्णन अंगा सा जाए फिर क्या होगा? अरे तो क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। देखो क्यों बेटा, अच्छा ये ले बेटा, ले बेटा प्रसाद जी जी। जैसे दादा का तो जन्म हो गया था है ना, दादा के बाद में फिर बेन जी का बताओ आप। यो चलो चलो, बेन जी का कैसे कहाँ हुआ जब जन्म? अच्छा कब हुआ? बड़े बहन जी का नाम बोलो, माया बहन, माया बहन जी जो है ना, और फिर उनकी शादी माया बहन जी की। बताओ तुम, बोल तुम फटाफट बोलते जाओ, जोर से बोलो आवाज आएगी। हाँ जी, हाँ जोर से बोलो तो आवाज इसमें आई कैच होगी। वो बेंजी के बारे में बताओ, बेंजी का परिचय दो, कहाँ शादी हुई, क्या हुआ, क्या किससे हुई शादी? जावरा सगाई करी। अच्छा दोनों जी गए। अच्छा कितने साल के थे वो बेंजी? छोटी थी यहाँ रख दे बाल विवाह, और गौर साहब की उम्र जो है ठीक वो जैसे 8-9 साल बड़े बाद में इनकी वो पहले छोटे छोटे जी सगाई कर देते थे। अब उसके बाद में फिर वो तो उधर वाला छोटे बहन जी का, छोटे बहन जी का पता। ये तो ये बड़ी बहन जी, ये बहन जी और जावरा वाले जो है क्या नाम है, बी आर शर्मा, बद्रीलाल जी शर्मा से उनका विवाह किया है, जो कि रतलाम में आजकल बस गए, रतलाम में बस गए हैं और पब्लिक रिलेशन ऑफिस में रिटायर हुए। बहन जी के पास तो मैं भी रहा हूँ बचपन में है ना, मैं तो वहाँ पढ़ा हूँ। अच्छा बहन जी के बाद में फिर लड़ता हुई ये वाला बड़ी ये बंद करनी एक मिनट। माया बहन जी के बाद में फिर शांतु हुई उदयपुर वाली, कहाँ हुआ जाना उसने भी मंदसौर में हायर सेकेंडरी की है शांता ने, एनसीसी भी ली थी उसने और उसने थोड़े दिन जो सर्विस भी करी टीचरशिप पीपलिया में। और फिर उसके बाद शादी का जब एंगेजमेंट हुआ तो वो उधर फिर सर्विस छोड़ दी, और उसके बाद फिर हमारे उसके बाद किसका हुआ जनाब? प्रदीप, प्रदीप के पहले भाई एक लड़का हो, मेरा बड़ा भाई। अच्छा साल भर का हो गया चला गया सनी राव। अच्छा फिर मैं आया, निमोनिया हो गया था, फिर कौन आया? फिर मैं आया। फिर भाभी की शादी में ये इतना ही बड़ा था, उंगली पकड़ के लाया भाभी, पाँच पकड़ के लाया भाभी, मेरे को तो बहुत फोटो है ना, फोटो है ना, मुझे बहुत प्यार मिला सबका। छोटा था तो भाभी भी आ गए थे, बहन जी भी थे, दादा भी थे, तो मैं छोटा ही बच्चा था तो बहुत लाड़ होते। अच्छा मेरा क्या हुआ? वैसे जी जी संस्मरण सुनाती है कि जैसे मैं उस समय जो है वहाँ अपने बेसिक ट्रेनिंग 1960 में करता था रतलाम, तो वहाँ से जो आया जाया करता था, तो प्रदीप भाई साहब जो है ज्यादा स्नेह रखते थे। प्रदीप भाई साहब हैं, इन्होंने भी एजुकेशन किया और जावरा में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में इन्होंने ज्वाइन किया, जबरदस्ती भेजा। अरे जबरदस्ती किया, बड़े शौक से गए थे, उनके शौक से। हाँ आप तो रोक रहे थे बहुत मत जा, तो जिंदगी अटे बढ़ जाएगा, बटे मारवा से नहीं बढ़ेगा। फिर मैं बार बार जाती हूँ, 15-20 रोज में दाव को तंग करती,
चलो जाओ रात चले जाओ बचा तो जाके इसको देखते रैगिंग का निपटा था। फिर एजुकेशन हो गया इनका जी अच्छा जो पोस्टिंग सर्विस भी हुई इसको दो तीन ऑर्डर आ गए थे जंगल बूर तक का ऑर्डर आ गया था इरिगेशन में ऐसा है की उसके बाद तो जावरा किया मैंने 19 साल में मैंने डिप्लोमा कर लिया था उसके बाद में फिर दा ने कहा कि अब तो तू कुछ टेम्पररी लगा देते हैं तेरी कहीं कर तो दा मुझे ले गए एक इंजीनियर थे अपने समाज के पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे तो उनके पास ले गए तो उनके दोस्त थे एक शिवना यहाँ बांध बन रहा था शीना बांध में मुझे ले गए कि ये बांध बन रहा है तो यहाँ कर दो ठीक है करीब एक साल मैंने उसमें किया काम टेम्प्रेरी और वो करते करते उसमें बहुत काम सीखा मैंने फिर वहाँ से फिर मैं अप्लाई भी करता रहा काफ़ी दूर मैंने इंटरव्यू दिए बहुत इंटरव्यू दिए इंदौर में चक्कर काटे कई जगह छोटे मोटे नौकरियों की कोशिश करी लेकिन भी कामयाबी मिली नहीं फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट में जब वार्ड सीखी तो उसमें मैंने भरा और मंदसौर में नहीं मैं भोपाल से निकली थी वार्ड सब इंजीनियर की वार्ड उसमें भरा था और उसके साथ साथ एक रोजगार कार्यालय के थ्रू भी हमने आकाशवाणी की वैकेंसीज निकली थी तो उसमें भी भर रखा था मैं तो दोनों में भर रखा था और एक और जो था इसके पहले मैंने वो पीएनटी में कर रखा था टेलीफोन ऑफिस तो उसमें मेरा हो गया था सिलेक्शन टेलीप्रिंटर और टेक्नीशियन मैं ट्रेनिंग में भी चला गया भोपाल रहा भाई के पास रहा भाभी के घर वहाँ कॉलोनी में हाँ भाभी मिलने आए थे वहाँ हाँ इनको हमने चाय पिला ही वहाँ बना के उठा हॉस्टल में रहते थे हम लोग भाभी देखने आए कह रहा पता है ठीक ठाक है मतलब बहुत पारिवारिक ऐसा लगता है घर से दूर है बहुत अच्छा लगता था वहाँ रहे भी मतलब उसके बाद फिर भोपाल में ही रहते रहते उसका भी ऑर्डर मुझे मिल गया था आकाशवाणी वाला मिल गया फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया और उसको रहते फिर एक और इरिगेशन का आ गया मतलब तकदीर से दो अपॉइंटमेंट ऑर्डर एक साथ आए तो ये रखे इधर जाए इधर जाए लेकिन हाँ तो ये छोड़ना पड़ा सबको फिर आर एंड रेडियो ही प्रेफर किया जगदलपुर और ये तो ये हो गया उसके बाद में अब मेरे फिर हमारी जिंदगी में ये आ गई घटना घट गई काम बना वो फिर जो है प्रेमा आई प्रेमा के बाद में फिर हिंदी की शुरुआत हुई फिर पिंटू आया पिंटू का भी आगमन तो वैसे तो जगदलपुर से हो गया था लेकिन फिर ये पैदा हुआ नीमच चिंटू आया हेमदी तो ये बस जिंदगी हमारी अच्छे से कट रही है मेरे इंदौर में था तीन दिन था तीन दिन था तो वही बंद था के अंदर बहुत टट्टे दो इसकी अब मनोज भी अपनी खाने सुना मनोज जाएगा बहुत बढ़िया रहा बचपन में फिर अच्छा बहुत अच्छा बचपन गुजरा हमारा छोट बड़े कम थी ना
बहुत कम तो क्या थी? साथ में खेलते थे, चार साल का हो गया। हाँ साथ में खेलते थे हम लोग, वो जमाना बड़ा अच्छा था भाई। मनोज बाबू ने मुझे एजुकेशन मंदसौर से ही किया और हायर सेकेंडरी तक मंदसौर में किया, और उसके बाद में जो है इन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। और ये भी ट्रेनिंग में बहुत सारी जगह इंदौर वगैरह फोटो स्टूडियो वगैरह, मनोज बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। हाँ सब तरफ जो है फोटोग्राफर, इनके फोटो अच्छा लिया, बड़े शानदार तरीके से अखबारों में छपते हैं। हाँ और आज जो है बढ़िया शिव स्टूडियो खोल दिया, शानदार जो है दुकान चल रही है वीडियो शूटिंग और फोटोग्राफी की। और हमारे जो है मीरा भाई जो है ये चित्तौड़ की महारानी मोहन की मीरा है, मोहन और मीरा ये आखिरी में हाँ वो तो बच्चे वाला हो गए। ये जीजी के जो पोता है बड़ा वाला राजू, हाँ राजू बता ना कि मेरा जो पोता है इसका बड़ा विजय प्रकाश शर्मा, ये पोते की भी लड़की हो गई है, लड़की है क्या नाम है तेरा? थर्ड जनरेशन हो गई ना, सेकंड थर्ड जनरेशन हो गई। हाँ और काका भतीजी बात होते हैं समझे, हाँ ऐसा देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन, और ये हमारे जो है चौथी पीढ़ी अभी फार्मेसी कॉलेज में ये सर्विस कर रहे हैं पापा, है ना? हाँ और ये जो अपने क्या नाम उषा शर्मा, ये हमारे कोटा की, हाँ पापा जो है वो भी एजुकेशन में अच्छे ऑफिसर रह चुके हैं। अरे राजा मेरे पास मेरा चलोगे क्या बड़ौदा? बड़ौदा चलोगे? कन्हैया लाल जी सरवाड़ा था कोटा के अंदर, भैयू भैयू को भी ले। अच्छा और किस स्कूल ले जाए? हाँ सरवाड़ा महेंद्र कुमार जी, वो भी इंस्ट्रक्टर है उसमें आईटीआई में। अच्छा है सबको बिठा लो कुर्सी पर। और ये अपने विनय प्रकाश जी शर्मा है, ये छोटे भाई है राजू के, छोटे पोते छोटे भाई, भाई अध्यक्ष, हाँ भाभी जी भाभी अध्यक्ष इनका अभी अभी सिलेक्शन हुआ पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर में, अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे परिवार का दूसरा केंद्रीय कर्मचारी सरकार का केंद्रीय सरकार का काम काम
कान है तो आ जाए, नहीं हो तो किसका है? उनकी पिताजी क्या कुशल इसमें इंसर्ट बीच में डालेंगे तो वो भी अच्छा लगेंगे। वो डालना पड़ेगा ना, क्या डालेगा? क्या क्या बहुत सारे इंसर्ट जो बीच बीच में फोटोग्राफ वगैरह इंसर्ट डालेंगे। अच्छा तुम्हारे डांस कौन करेगा भैया? ए भैयो सबसे बड़ी है गाना का बोल करो मटक बनाओ मटक के बनाने के बाद मटक मानना है गाना गाते गाते करे खड़ा खड़ा हो गया अच्छे से करा सीधे खड़ा देखो तू ऐसे मटक ही ना ऐसे सीधे खड़ा मटक पता नहीं अच्छा आएगा पानी हां जोर जोर गाना तो आवाज तो आई नहीं वो इधर करो अंकल जी की तरफ टीवी के सामने कैमरे के सामने पुराने बिल जल्दी 50 साल हो गए बिना आवाज की गूंगी भी है पहला गूंगी गाना गाते गाते सोल्जर वाला गाना है जोर से जोर से जोर से पीछे कैसे के जीजी के पास खड़ा हो गया एक दो मिनट को एक ये ये सारी सुधार में क्या फायदा होता है? राजे तू इधर हाँ तू इधर कितने लेते हो बाप क्यों बाप यहाँ बैठ जा आइए चल आजा इधर रोड में पास आइए बाप छोटे छोटे बच्चे क्लास में नीचे बैठते हैं सामने देख एमरे के सामने देखो पूरा क्या देख रहा है दूर देख कोई छुटा तो नहीं अरे क्या देखना है कैंडिडेट बढ़ तो नहीं रही देख रहा हूँ जो बोले हैं वो छूट गया है बस तू छूटा अब पिंटू पकड़ सकते हो पिंटू पकड़ लो भी हो जाएगा पिंटू भी पकड़ ले नहीं नहीं मैं पकड़ूंगा नहीं अंकल ही ले वो मनोज पकड़ेगा राजू
जगह छोड़ो जगह छोड़ो जगह छोड़ो जबरदस्ती काम करा रहे देखना पकड़ा।